हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम वायरल सच। जैसा कि आप सभी के सामने फिर से मैं लेकर हाजिर हो गई हूँ आपका खास ये प्रोग्राम, जहाँ पर हम आप सभी को आपके इंडस्ट्री से जुड़ी वो जानकारी देते हैं, वो बातें बताते हैं जो कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन उस खबर में कितनी सच्चाई होती है और उसे किस तरीके से पेश किया गया है इसके बारे में हम आप सभी को ज़रूर बताते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ी हुई खबर। कहा जा रहा है खेसारी लाल यादव हो गए हैं एक बार फिर से घायल, लगी है उन्हें काफ़ी गहरी चोट। भाई एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के घायल होने की खबर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी, लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई अंदाज़ा तो आप सभी को लग ही गया होगा कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कहा गया है हमारे खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों जो हमारे काजल राघवानी हैं और खेसारी लाल यादव हैं, उन दोनों लोगों को मिली है एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर। इन लोगों को आखिरकार क्या मिल गई है, इनके फिल्म से जुड़ी है, इनके करियर से जुड़ी है, इनकी पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई है, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। वहीं आगे हमारी खबर आई हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ जुड़ी हुई। कहा जा रहा है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है उनके सामने सलमान खान जो कि बॉलीवुड के तवंग खान हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी तारीफ की है, तारीफों के पुल बांधे हैं। भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार वैसे तो बहुत बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, और भोजपुरी में ही क्यों, बॉलीवुड के भी कई ऐसे सितारे हैं जो कि हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को निरहुआ रिक्शा वाला के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, वो उन्हें जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से जब ऐसी खबर आ गई है जिसमें उन्हें सलमान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, उनकी खबरें सलमान खान के साथ जोड़ी जा रही है, तो हम आपको अपनी रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार इनके पीछे की सच्चाई क्या है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहा जा रहा है आम्रपाली और निरहुआ दोनों ने एक साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की कार खरीदी है, यानी कि एक बार फिर से इनके इनकम पे सवाल उठा है, एक बार फिर से इनके इनकम की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों ने एक साथ मिलकर 5 करोड़ की कार खरीदी है। लेकिन क्या वाकई में इन्होंने ऐसी कोई इतने बड़े बजट पे कोई काम किया है, या इन्होंने वाकई में 5 करोड़ की कार दोनों ने एक दूसरे के लिए खरीदी है, ये हम आपको रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आखिरी खबर है और सोशल मीडिया पर काफ़ी बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है। जी हाँ, और वो खबर है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके छोटे भाई माने जाने वाले खेसारी लाल यादव के साथ। कहा जा रहा है कि इस बार साल 2018 में खेसारी लाल यादव और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव दोनों की नई फिल्म आ रही है, जिस फिल्म का नाम है करण अर्जुन। वाकई में क्या ये दोनों नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से भोजप्रिया पर्दे पर, भोजप्रिया बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों भाई की जोड़ी नज़र आने वाली है? खैर दोस्तों, ये है बताने के लिए, ये जानने के लिए आपको हमारे इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा जो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते अपनी ये टॉप जो उनके पीछे की सच्चाई है वो देखिए हमारी खबर। खेसारी लाल यादव हुए हैं घायल। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव के चोट लगने यानी कि उन्हें घायल होने की खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इस समय पर खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म बलम जो आई लव यू की शूटिंग काफी जोरों से कर रहे हैं, और इसी वजह से खेसारी लाल यादव के सेट पर उनके इस समय पर एक्शन सीन की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को थोड़ी बहुत चोट लगने की उन्हें एक्टिंग करने पड़ी। जी हाँ, उनके चेहरे पर कहीं कहीं उनके चोट लगने के निशान भी दिखाए गए, जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद खबरें ये सोशल मीडिया पर फैलने लगी खेसारी लाल यादव अपने फिल्म के सेट पर घायल हुए हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव फिल्म के सेट पर तो घायल जरूरी हुए हैं, लेकिन रियल में नहीं बल्कि रेल में। जी हाँ, उनकी फिल्म में एक्शन सीन के शूट के दौरान उन्हें नकली चोट लगने की बात कही गई, और उसके बाद उन्हें ये ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिसे देखकर हर कोई ये चौंक जाए कि वाकई में खेसारी लाल यादव को चोट लग चुकी है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये खबर सिर्फ और सिर्फ रील के लाइफ के थी, ना कि रियल के।
खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों को मिली है बहुत बड़ी बुरी खबर। बता दें आपको ये खबर बिल्कुल सही है कि वाकई में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को एक बुरी खबर मिलने के साथ उन्हें काफी बेजोर का धक्का भी लगा और वो है यूट्यूब की तरफ से। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म दीवानापन जब यूट्यूब पर रिलीज की गई तो उसे फिल्म को एक चैनल से हटा दिया गया और जिसके बाद जिस पर काफी सारे व्यूज थे जिसके बावजूद उसे हटा दिया गया, जिसके बाद खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा उदास भी हुए। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी गलती की वजह से उनके इस फिल्म को सोशल मीडिया से हटाया गया। लेकिन देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के साथ साथ उनके फैंस के लिए भी ये बुरी खबर है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक खेसारी लाल यादव की इस फिल्म को नहीं देखा था। लेकिन देखते हैं कि क्या पता दोबारा से इस फिल्म को रिलीज किया जाए यूट्यूब चैनल पर और फिर से दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिल सके। लेकिन अभी के लिए बताना चाहेंगे कि ये खबर सही भी है और ये फिल्म दोबारा रिलीज होगी या नहीं होगी, इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। निरहुआ के सामने हाथ जोड़ सलमान खान ने की उनकी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सलमान खान और निरहुआ को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं दोनों, क्योंकि जहाँ पर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी फिल्म की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं तो वहीं पर सलमान खान का नाम इनके साथ जोड़ा गया है। लेकिन आपको बता दें ये खबर सरासर गलत है। वैसे निरहुआ की तारीफ तो हो रही है उनकी फिल्म बॉर्डर को लेकर, उनकी आने वाली वेब सीरीज वर्दीवाला को लेकर और उनकी हाल ही में फिल्म की शूटिंग हो रही जय वीरू को लेकर। लेकिन सलमान खान ने उनकी तारीफ की है या नहीं की है इस पर कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि निरहुआ की तरफ से ना ही ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई खबर सामने आई है और ना ही सलमान खान की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल खबर सामने आई है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये खबर सरासर गलत है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आम्रपाली निरहुआ ने खरीदी है 5 करोड़ की नई कार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें वैसे तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और हमारी लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे, ये दो हीरो और हीरोइन भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो हीरोइन में शामिल हैं। लेकिन इस बार इनकी खबरें कही जा रही है, खबरें ऐसी आई हैं कि इन्होंने एक साथ एक दूसरे के लिए ही 5 करोड़ रुपए की नई कार खरीदी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल निरहुआ ने कोई भी नई कार नहीं खरीदी है। हाँ, जय वीरू के सेट से उनकी एक कार की फोटो वायरल हुई थी, जो फोटो में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जहां पर जिस कार के साथ खड़े थे वो उनके फिल्म के शूटिंग के दौरान की कार थी, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी के लिए हम ये खबर गलत ही बताएंगे, क्योंकि हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे दोनों की तरफ से ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। निरहुआ खेसारी की नई फिल्म करण अर्जुन। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे वैसे तो ये दोनों स्टार की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो खास मानी ही जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं। जी हाँ, इन दोनों एक दूसरे को बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा दे रखा है और इन दोनों से जुड़ी तमाम खबरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें से एक खबर ये भी आज वायरल हुई है कि साल 2018 में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव दोनों की नई फिल्म आ रही है, जिस फिल्म का नाम है करण अर्जुन। लेकिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस खबर पर कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इस खबर से जुड़ी कोई भी किसी भी टीम की तरफ से बड़ी खबर ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन भोजप्रिया जो दर्शक है वो जरूर चाहते होंगे कि भोजपुरी के ये दो बड़े सुपरस्टार एक साथ एक पर्दे पर एक फिल्म में दिखाई दें। लेकिन देखते हैं आखिरकार हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव ये दोनों ही अपनी इस फिल्म के जरिए अपने दर्शकों को, अपने जो दर्शकों की उनकी मांग है वो पूरी करते हैं या फिर नहीं। तो
देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे हीरो हैं, तमाम ऐसे एक्टर हैं जिनकी खबरें भाई वायरल होने से नहीं बच पा रही। हर बार कुछ ना कुछ नई खबर लेकिन अधूरी खबर ज़रूर आ जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सभी को सारी खबरों के बारे में बता सकें, सारी खबरों से रूबरू करवाते हैं। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए, उन पर खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट आई न्यूज़ भोजपुरिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप सभी तक पहुँच सके और कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम पर यहीं विराम लगाते हुए, ये वादा करते हुए कि कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम वायरल सच, आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाज़त।